वेलकम बैक जी, वापस आ गए हम और हमारे साथ एक अमेजिंग पर्सनालिटी है। जहाँ जाते हैं ऐसा सच बोलना शुरू कर देते हैं कि थोड़ी देर बाद इंसान को डर लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं अब क्या क्या खुलने वाला है। हमारा नहीं, वैसे लोगों के बारे में। वेरी टैलेंटेड, अमेजिंग, आई वुड से ही इज वन ऑफ अ वेरी ह्यूज आइकॉन्स, फैशन आइकॉन्स वी हैव इन पाकिस्तान। और मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि कुछ तो स्टार्स होते हैं और कुछ होते हैं स्टार मेकर्स। वी हैव खावर रियाज विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया, मैं स्टार मेकर से एक पर्सनालिटी तो बन गया। पर्सनालिटी बन गया और अमेजिंग। आजकल आप ए प्लस की स्क्रीन के ऊपर इनका एक शो देख रहे होंगे और चंद एक जो गेस्ट जो अभी आ चुके हैं, ऐसी ऐसी बातें मैंने उन्होंने अपने मुँह से कह दी और ऐसे ऐसे कुछ निकलवा लिया खावर कि ये तो एक डिफरेंट साइड आपकी आई है हमारे पास। यू आर नॉट ओनली अ स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर, बट आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट सो मेनी डिफरेंट साइड्स ऑफ यू। मतलब अमेजिंग। असल में ये क्रेडिट भी ए प्लस को जाता है कि उन्होंने मेरी ये वाली साइड जो उसको एक्सप्लोर किया और मुझे इनक्रेज किया और यहाँ तक लेकर आए। बात दरअसल ये है कि मैं असल में यही हूँ। जो फोटोग्राफी जो मैं कर रहा था वो एक मैंने चैनल के तौर पे यूज़ की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, और मेकअप भी, फिर और भी जो मैं काम कर रहा था, फिर इंटीरियर में आना शुरू हो गया। इंटीरियर्स आप जाके देखिए जरा इनका स्टूडियो। इनफैक्ट वो जो प्रोग्राम है वो मेरे घर में हुआ है। exactly. तो लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ए प्लस जो एंटरटेनमेंट दे रहा है, मतलब जिस तरह से लाहौर का कल्चर दिखा रहा है और जिस तरह से अभी आप एक आदमी को यहाँ लेकर आई और जिस तरह बेचारा वो काम कर रहा है, इस तरह फिर जिस तरह से आप लोग शादियों को वो करते हैं, गरीब बच्चियों की, हाँ गरीब करते हैं, तो ये प्रोग्राम असल में होने चाहिए थे और ये हाईलाइट होने चाहिए ताकि और लोग भी इसमें आए। और अभी आप जिस तरह बिजली के बारे में बोल रही थी, तो मुझे वैसे तो 3 साल से सारे चैनल सुना रहे हैं गवर्नमेंट को, क्या कोई ढीठ गवर्नमेंट पे असर पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं। तो इसका एक ही हल है कि हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि वो बिजली बंद कर दे, बिल्कुल ऐसे, ताकि बंद होगी तो फिर हम उसका कोई और हल सोचेंगे। हो सकता है अपने घर को पंचक्कियां लगा लें, हाँ। या कोई वो जो ना कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ करना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली। तो ये बहुत जरूरी, वरना वही होगा कि हम बैठे रह जाएंगे। लेकिन आपको पता है जितना भी हम लोग कमा रहे हैं आजकल, सिर्फ बिजली का बिल देने के लिए कमाते हैं, जबकि बिजली आती नहीं है। तो अगर एक तरफ से टेंशन मुकेगी ना कि जी चलो ठीक है बिजली नहीं है, हम बिल तो कम से कम नहीं आ रहा ना, ठीक है ना दें बिजली, वो नहीं, बिल उससे ज्यादा आना शुरू हो गए। ऐसे ही है, जितनी बिजली जाती है उतना बिल। एग्जैक्टली। और इसकी वजह से आई एम श्योर जहाँ पे इंडस्ट्रीज, मुख्तलिफ प्रोफेशंस, इवन हमारा इस वक्त जो शो हो रहा है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि शायद उनके पास यूपीएस या जनरेटर्स नहीं है। हमारा अपना शो जो है वो जनरेटर के ऊपर हो रहा है इस वक्त। आज बल्कि मैं अली ऐलान कहता हूँ कि मेरे घर में कई दफ़ा वो टैक्स वाले आ जाते हैं, तो मैं इनके पीछे पड़ जाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं टैक्स क्यों दूँ? मुझे बिजली मुझे नहीं मिल रही, पानी प्रॉपर मेरे घर में नहीं आ रहा, सड़क बाहर ख़राब है, पानी ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, डेंगू के मसले, फिर हम टैक्स क्यों दें? आप यकीन कहते हो मैं साफ हूँ, मैं टैक्स चोरी कर लेता हूँ और वो टैक्स मैं पूरे कपड़े उठा के गरीबों को बांट देता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि फिर मैं अल्लाह के आगे जवाब दूँ ना, मैं फिर क्यों ऐसे लोगों को दूँ जिसका कोई फायदा नहीं है? ऐसे ही है, हम सब लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल जी, आज स्टेटमेंट आ गई है खबर की तरफ से। अब आते हैं शो की तरफ। असल चीज शो की, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो शो है असल में मैंने इतना अरसा जो स्ट्रगल की, बेसिकली आई एम ए पीपल्स पर्सन, अ पीपल्स फोटोग्राफर। मुझे लोगों ने ही सिखाया क्योंकि मैं एकेडमिकली इतना अच्छा नहीं था। बचपन में आप साइंस और अपनी स्टडी से ज्यादा लोगों के एटीट्यूड्स और लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस को के ऊपर एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे ये लगता था जो आपको आम लाइफ में जो आपको एजुकेशन मिलती है और जिस तरह से आप ऑब्जर्व करते हैं उसको और एब्जॉर्ब करते हैं बहुत सी चीज़ों को, तो आपको इतनी वेल हैंड साइकोलॉजी का पता लगता है जो शायद आपको किताबों में नहीं मिलती। सही। अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर ये हुआ कि मैंने उस एक्सपीरियंस को इस प्रोग्राम के थ्रू सामने लेके, वो लोग, वो सारे जितनी सेलिब्रिटी जो बन गए, आइकॉन बन गए या कोई स्टार्स बन गए, आपके साथ स्ट्रगल, हाँ साथ स्ट्रगल की, और मैंने उनको बिहाइंड द सीन देखा। मैंने उनसे वो टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे, मैंने वो क्वेश्चन पूछे जो उनसे पूछे जाने चाहिए थे मेरे हिसाब से। ये सली साहब से बड़े आला सवाल पूछे आपने। नहीं, लेकिन आप ये देखें कि मैंने लोग समझते हैं जो उसमें एक जो उसका प्रोमो चलता है, लोग समझते हैं शायद कोई बहुत ही ये ब्लंट बंदा होगा और पत्नी बड़े उनसे कोई इस तरह सवाल करेगा पर्सनल लेवल पर और उनकी खच्चे उड़ा देगा, ऐसा नहीं है। मैं असल में उनकी वो पॉजिटिव साइड दिखाना चाह रहा हूँ कि नो बडी इज़ परफेक्ट। असल में उनके साथ जो जुड़ी कहानियाँ वो आम सी बातें हैं जो हर इंसान के साथ हैं, वो इसलिए हम लोग उनको डिस्कस करते हैं कि वो फेमस है, लेकिन वो असल में इंसान एज अ पर्सन क्या है वो exactly, असल में तो वो कुछ और है जो मैंने देखा हुआ है। हाँ। तो उसको सामने लेके आना और उनके पीछे जिन लोगों ने उनको स्ट्रगल
करने में हेल्प की, जो शायद उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो सामने नहीं आया उसको सामने लाना। तो ये इस पूरे शो का मकसद था। फिर ए प्लस वालों ने मेरे अंदर वो चीज़ देखी कि मेरे अंदर एक विटनेस है और मैं बातों को बहुत ट्विस्टेड स्टाइल में करके घुमा के बातें, कई दफ़ा ये भी होता है कि प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं और मैं सेलिब्रिटीज जो भी मेरे सामने बैठी होती तो सवाल करता जाता हूँ करता जाता हूँ, फिर एकदम वो कहते हैं सुनो तुमने मुझसे सवाल किया, मुझे पता नहीं चला, मैंने क्या क्या जवाब भी दे दिए, क्या ये डेट हो सकता है? अच्छा। तो मैं कहता हूँ नहीं, वो आप बेफिक्र हैं, आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अपनी एक बहुत पॉजिटिव साइड दिखाई है, और अगर आप बिल्कुल ब्लंट होके हर बात का जवाब दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आई एम नॉट अ कंफ्यूज पर्सन, और मैं जब खुदा से नहीं करता मैं क्यों करता लोगों से। और कहते हैं कि जब सच्चा बंदा सामने बैठा हो ना तो फिर लोगों का सच बोलने को भी दिल चाहता है, तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि लोग सच सच बोलते हैं। एक कॉल है हमारे साथ सदफ की पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, देखो बिजली वहां चली गई। बिजली चली गई। अच्छा, क्या अब टेलीफोन लाइंस की भी बिजली जाती है? हाँ, जाती है, डिजिटल होगा तो जाती होगी, कुछ भी हो सकता है आजकल। कुछ भी हो सकता है। ट्रू जी, रुकेंगे यहाँ पे ब्रेक के लिए। खावर रियाज हमारे साथ हैं और बहुत सी गुफ्तगू है इनके काम के हवाले से, खास तौर पे एक डिफरेंट साइड जो इनकी सामने आई है, दैट इज एन अमेजिंग एंकर आल्सो, वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत सारी साइड्स हैं जो हम ब्रेक के बाद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या कुछ इनके अंदर ऐसा है फंसा पड़ा जो भी बाहर आने वाला है। वी विल फाइंड आउट ऑल दैट आफ्टर द ब्रेक।